मुखबिर से प्राप्त सूचना अनुसार वन परिक्षेत्र दक्षिण लामता के वन अमला द्वारा ग्राम डोंगरबोड़ी लामता में दिलीप बल्द दीपचंद गौड़, आधार सिंह बल्द जयचंद गौड़ दोनों निवासी डोंगरबोड़ी के घर से वन्य प्राणी चीतल का पका मांस एवं वन्य प्राणी पेंगोलिन के साल की जब्ती की गई है एवं आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल से वन्य प्राणी चीतल का चमड़ा और सींग जीआई तार खूंटियां विद्युत करंट में उपयोग की गई सामग्री को जब्त कर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में शिवमपुरी गोस्वामी वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लामता, परिक्षेत्र सहायक चाचेरी ब्रजलाल यादव, परिक्षेत्र सहायक मगरदर्रा रूप सिंह परते, परिक्षेत्र सहायक चरेगांव नरेंद्र बसोड़, वन रक्षक दिलीप कुमार बाते, कंचन खंडागले, गजेंद्र बिसेन, रजत बोपचे, हिमांशु डहरवाल, प्रशांत कुमार चौरसिया, देवांशु यादव, कमल किशोर पांडे, मनीष कुमार मिश्रा, आलोक मरकाम, अफजल कुरेशी, आशीष नेहर, यश भैरम, दीपक सेंगर और श्रमिक विषय का योगदान रहा। सर क्या नाम है आपका? ब्रजलाल यादव। ये आज चाचेरी में जो चीतल का मांस पकड़ाया है, इस विषय में क्या कार्रवाई की है आप लोगों ने? ये मुखबिर के आधार पर हमको पता चला जी, डोंगरबोड़ी के लोग थे करके। अच्छा, तो हमने छापा मारा। छापा मारने के बाद में क्या है, ये दो लोगों को पकड़े हैं। क्या क्या नाम है सर इनका? इनका नाम है दिलीप आधार पर, दिलीप दीप सिंह और आधार पर थे। अच्छा, इसमें और कुछ अपराधी बाकी है? हाँ, इसमें अपराधी बाकी है। अभी दो फरार में पता लगा है कि दो फरार है अभी तक। ये माल कहाँ पकड़ा है सर, ये चीतल का मांस? ये चिचोली के खेत में पकड़ा है, ये करंट के द्वारा लगाया गया था और चिचोली के खेत में उसको पकड़े। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रूप सिंह परते, परिक्षेत्र सहायक मगरदर्रा। सर ये आज चाचेरी में जो आपने चीतल का मांस पकड़े है, इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं आप? आज हमको मुखबिर की द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग डोंगरबोड़ी के चीतल का शिकार करके मांस पका रहे हैं जी। तो हमारे द्वारा ग्राम डोंगरबोड़ी गए, वहाँ पे हमने दिलीप बलदीप सिंह गोंड के घर गए तो उसके यहाँ 2 से 2.5 किलो चीतल का मांस पका हुआ, और जब घर की तलाशी लिए तो उसके घर से पेंगोलियन के कुछ अवशेष मिले हैं जी। और इसके बाद दिलीप की निशानदेही पर फिर आधार सिंह को पकड़े तो आधार सिंह के घर से भी पेंगोलियन के हमको कुछ अवशेष मिले हैं। इसके बाद इनके निशानदेही पर घटना स्थल पर गए, वहां पर हमें जो करंट लगाए थे जीआई तार मिला है, खूटियां मिली है, कुछ कांच के बॉटल मिले हैं और चीतल का चमड़ा प्राप्त हुआ है, सींग भी मिला है एक। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।